मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी थी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद कानूनन अंदर जाना मना है। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक करी जाती थी। किले के पास एक सिनही नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र लेने के लिए निकली और उस तांत्रिक ने ये देखा और उसने काले जादू की मदद से इत्र में कुछ ऐसा मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इस चीज़ की भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया और ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पे जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया, भानगढ़ कभी खुशी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया था और उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए और उसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे और राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया था। अगर कहानी की माने तो आज भी उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। पर हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाकर पता लगाएं क्या वो सच में इतनी भयानक जगह है या सब ये सिर्फ एक कहानी है। करीब रात के 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम लोग अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही हमको ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के एक दो चक्कर लगाए लेकिन हमें कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और इस नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के दूसरी तरफ चला गया और जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तो मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा जैसे विक्रम के पास लौटा तो वहां वो था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। और तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक धम करके आवाज आई तो फिर मैं उस तरफ चलने लगा और जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वैसे ही मुझे पायलों की छनछन आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई लड़की भागी और फिर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था और तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा तो मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू, जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। पर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मुझे पीछे के दरवाजे से विक्रम की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और जिसका मैंने हाथ पकड़ा है वो कोई और है तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा तो उसने मुझे मुड़ के देखा और उसको देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले और फिर मैंने उससे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में थी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए मगर उस घटना के बाद अब हम कभी भी भानगढ़ की कहानियों को कभी नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं।